देख रहे हो ये है बुद्ध जी का, बहुत ही शेयर करो शेयर करो। क्या है भाई, क्या आज इतना भीड़ क्यों है? तो है बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है नहीं। उसका ही फेस्टिवल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, फ्री में सब कुछ है। ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल चप्पल छोड़ गया हम फर्स्ट। यार पानी जो भी है फ्री फ्री फ्री। खाना पीना टोटल चीज है यहाँ, स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है, आपको अगर बुखार लगती है चक्कर आता है तो आप यहाँ आ सकते हैं। समझ गए? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो चलो यार अभी तो फिलहाल नहाना है, उसके बाद हम लोग को मंदिर के अंदर जाना है। वहाँ है बौद्ध मंदिर और वहीं पे है बोधि ट्री, जहाँ पर बौद्ध भगवान ने अपना शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है। तो वहाँ पर ये फ़ोन लेकर के जाना अलाउड नहीं है, तो अभी जमा करके पहले हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे जाना है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए बुद्ध मंदिर से, जहाँ पर बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्ति की थी। स्टार्ट करो। तो बहुत ही विशालकाय मंदिर और बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य था। क्या बोला तूने? और सबसे बड़ा गलती हमने ये कर दिया कि सारा कैमरा लेकर नहीं आया, कैमरा लेकर आता तो बहुत सारी चीजें कैप्चर कर लेता। अच्छा हमको सिखा रहा है। लोग 80 फीट जो बुद्ध मंदिर है। दिखाते हैं बोध गया का फुल नजारा और वो रहा बोध जी, जैसा कि देख रहे हो सामने वो बोध जी का बहुत बड़ा प्रतिमा लगा हुआ है। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले लड़कों को ब्लॉग से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। और इधर मार्केट पूरा हैवी तरीका से लोग सामान ले रहे हैं, इधर पैसा दे रहा है अभी ले रहा है, अभी देखते हैं। हाँ ना ना मूर्ति नहीं देख लो ये सब देखो ना यार भाई, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रहे जा। यार तू कुछ ये जा ना यादगार ये सब जाएगा ना, तो कम बेसि करके लगा देंगे। सर जी देखिए आइए ये सब यादगार जाएगा। सर का ले लो कड़ा ले लो ना, कड़ा लेना तो ले ले मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक मार्केट है, जैसे कि देखो उससे कंपन हो गया, कंपन से साउंड रिंग हो रहा है। चलो आते हैं पहले ना, हम लोग 80 फीट मंदिर द्वार से एंट्री करके। तो जैसा कि देख रहे हो ये है बुद्ध जी का बहुत ही बड़ा प्रतिमा। तो कैसा लगा आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, और हाँ अगर नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले यार, और शेयर करो ना वीडियो को, शेयर करो शेयर करो। अंदर का व्यू बहुत ही शानदार, और बौद्ध प्रतिमा पीछे। तो कैसा लगा कमेंट करो जल्दी जल्दी, और यहाँ से ले रहा है सतेंद्र सेल्फी, है सतेंद्र कैसा फील रहा है? जी का बहुत ही बड़ा प्रतिमा यहाँ पर, तकरीबन 80 फीट इसके नाम से जाना जाता है। और ये गया से बोध गया से मंदिर के पास से थोड़ा सा 15 से 20 रुपये भाड़ा लगता है, उसके बाद यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और इसे देख सकते हैं दर्शन कर सकते हैं। और आने के बाद कुछ नीचे से इस तरह का दिखता है और बहुत ही ऊंचा है, तकरीबन 80 फीट। चल कर को दिखाते हैं आपको। बुक किए हुए टमटम से जाएंगे मेन मंदिर।
ये टमटम रहा इसमें बैठे हुए करने जो चल खाई चल चल बैठ। जापानी मंदिर घूम लिए हैं भूटान वाला नहीं तो भाई साहब तीनों के तीनों मजा ले रहे टमटम का पूरा तरीके से। क्या है बोधि नमो बुद्धम तिब्बत मंदिर ठीक है तो उसमें अंदर से तो तिब्बत टेम्पल में दिखाते हैं जरा भाई। कुछ इस प्रकार का नजारा है और दीवार में छपे हुए चित्र बोध भगवान जी का और इधर भी बोध इसमें कुछ बता रहे हैं वहाँ पे उनके बारे में एक लोगों ने ये चित्र बने हुए हैं हर एक प्रकार के कैसे कैसे बोध जी थे जो उन लोगों को बताते थे कि ज्ञान की बात है तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सत्येंद्र बाबू लेते हुए सेल्फी तो गाइस हमने यहाँ पे बहुत फ़ोटो क्लिक की यहाँ पे फ़ोटो खींचने की अनुमति थी तो हमने फ़ोटो बहुत सारा खींचा और ये वीडियोस भी जो है आपको YouTube पे मिल जाएगा रॉकी व्लॉग सर्च करें देखें एंजॉय करें बोध गया कुछ जाने वीडियो के माध्यम से। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।